आज मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत क्विक सी और बहुत सिंपल सी कोफ्ते की रेसिपी। ठीक है, अच्छा आप ये चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं और बीफ के कीमे में भी, लेकिन कोफ्ते का असल मज़ा बीफ के कीमे में आता है, तो मैं बीफ के कीमे में बना रही हूँ। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है बीफ का और ये बारीक मशीन का पिसा हुआ है। अब मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं कीमे में, आप ये लोग ये देख लीजिए। हरी प्याज है, ठीक है, आप लोग अगर हरी प्याज में नहीं पसंद करते तो सफ़ेद प्याज भी ले सकते हैं। इसका हर ग्रीन प्याज का सफ़ेद जो प्याज का पार्ट होता है वो भी मैंने लिया है। अच्छा, मैंने ज़ीरा तवे पे भून लिया था और उसको मैंने चनों के साथ इस तरह ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, 1/4 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने पिसा हुआ लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, नमक हसबे जायका है, 4 से 5 मैंने हरी मिर्ची लिए हैं, 1 डबरोटी ली है मैंने बड़ी वाली, उसको तोड़ लिया है। ठीक है, मैं इसको ग्राइंड कर दूँगी तो आप 4 पीसेस कर लीजिए, और हरा धनिया लिया है थोड़ा सा। ये मैं एक आधा किलो कीमे के हिसाब की क्वांटिटी बता रही हूँ, आप इसको अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसको कीमे में डाल के ये सब चीज़ें इसको ग्राइंड करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, ये मैंने अच्छी तरीके से इसको चॉपर में ग्राइंड कर लिया। आप देखिए ये इस तरह अच्छी तरीके से पिस गया है और ये फ्रेश कीमा है, फ्रीज़र नहीं है, फ्रीज हुआ हुआ नहीं है, वरना वो पानी छोड़ देगा। ठीक है, अब आप इसको बेसन भी भून के डाल सकते हैं इसमें, इसमें आप अंडा भी डाल सकते हैं बाइंडिंग के तौर पर, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं डालती और ये टूटते भी नहीं है मेरे, तो मैं आपको यही दिखाऊंगी। अच्छा फ्रेंड्स, आप देखिए इस तरह आप इसको और बड़ा छोटा अपने अकॉर्डिंग टू द हस्बे जायका, आपके घर में जिस तरह खाया जाता है आप कर सकते हैं। इसको मैंने इस तरह राउंड में गोल कर दिया और बहुत इजी मेकिंग है इसकी, देखें। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, मैंने जो आधा किलो कीमा लिया था, हमारी 8-9 इस तरह की बॉल्स बनी है। ठीक है, आपको अगर साइज़ बड़ा करना है तो आपकी 6 बन जाएंगी, हम जिस तरह खाते हैं हमने इस तरह बनाई है। ठीक है, इसको मैंने थोड़ी देर फ्रीज भी कर दिया था फ्रीज़र में रख के, ताकि ये जम जाए। अब मैंने इसकी ग्रेवी के लिए क्या लिया है, मैंने प्याज को ब्राउन किया है तेल में, फ्राई कर अच्छी तरीके से फ्राई करके उसको टमाटर के साथ और दही के साथ पीस लिया है। तो ये देखिए इसकी ग्रेवी इस तरह का इसका टेक्स्चर हो चुका है। अब मैंने इसमें क्या स्पाइसेस लिए ये देख लीजिए, 1 खाने का चम्मच भर के मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी ली है, नमक हसबे जायका है, 1/4 टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया है, यह हसबे जायका भी हो सकता है, आप आगे पीछे कर सकते हैं, और 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने इसी तेल में ना प्याज को फ्राई किया था, ये जब भी हमारा यूज़ हुआ है, इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक डाल दिया है। ठीक है, अब मैं अपनी स्टार्ट कर रही हूँ रेसिपी। अब मैं इसमें थोड़ा सा इसको सौते करके ये जो मैंने प्याज और टमाटर का जो मैंने पेस्ट बनाया है वो डालूंगी मैं। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने ना प्याज और टमाटर का जो टेक्सचर था उसको अच्छी तरीके से सौते करके अब सारे स्पाइस ऐड कर रही हूँ और फिर भुनाई कर। अच्छा फ्रेंड्स, जब तक हम इसकी भुनाई कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अच्छा फ्रेंड्स, मैंने टमाटर की जो ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर और प्याज लिया है, तो 1 बड़ा टमाटर लिया है, 1 ही बड़ी मैंने प्याज भी लिया है और 2 खाने के चम्मच दही लिए है। अगर कोफ्ते की क्वांटिटी ज़्यादा हो तो आपको ज़्यादा बनाना, तो आप इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें ना मैंने 2 आलू भी कट करके डाल दिए, जैसे हम आलू गोश्त में ऐड करते हैं, क्योंकि मेरे घर में बच्चे हैं पसंद करते हैं आलू, तो आप इसमें आलू भी ऐड कर सकते हैं और आप इसमें बॉयल एग भी ऐड कर सकते हैं, फॉर डेकोरेशन के तौर पे भी अच्छा लुक आ जाता है, लेकिन मैं सिर्फ इसमें अभी आलू ऐड कर रही हूँ। देखिए, हमारा सालन अच्छी तरीके से पक रहा है, इसका कच्चापना वगैरह हम सब खत्म कर। अच्छा फ्रेंड, आप देख सकते हैं अभी हमारा ऑयल ऑलमोस्ट ऊपर आ चुका है, इसका मसाले की खूब अच्छी तरीके से भुनाई हो चुकी है। अब हम कोफ्ते ऐड करेंगे इसमें। अच्छा फ्रेंड्स, अब हमने सारे कोफ्ते ऐड कर दिए, अब इसमें हम पानी डालेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, हमने पानी डाल दिया है। अच्छा, ये अपने ऊपर है आप लोगों के, आप ग्रेवी कितनी खाते हैं घर में आपकी खाई जाती है, तो आप पानी कम डालें ज़्यादा डालें ये आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे घर में ज़रा ग्रेवी पसंद करते हैं तो मैंने इसलिए थोड़ी सी आधा कप पानी डाला है, अभी हमारे कोफ्ते भी उसी में डन हो जाएंगे और शोरबा भी रहेगा। अच्छा फ्रेंड्स, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे ऑलमोस्ट हमें 5 मिनट कुक करना है, देन फिर मैं इस पर जैसे ये बॉयल आ जाएगा ना, फिर मैं इसमें ढकना ढक के पकाऊंगी। ठीक है, क्योंकि अभी अगर हमने ढकना ढक दिया तो फिर ये टूटने का डर रहता है, तो इसको अभी आपने सिर्फ विदाउट कैप करना है, पकाना है। ठीक, अच्छा ये देखिए हमारे कोफ्ते आलू की रेसिपी रेडी है, आप इसको प्लीज़ ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, मुझे बताइएगा कैसी लगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें।